हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री। मैं हूँ प्रिया शर्मा और आप पढ़ेंगे मेरे साथ 12th की केमिस्ट्री। हम जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं आज, बेसिकली वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या मतलब है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखिए, बात करूं अगर मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो पार्ट में मैंने ऑलरेडी इसको डिवाइड किया है। देखिए, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात करें केमिस्ट्री, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ, यहां पर दो पार्ट में चीजें चलेंगी, एक इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा केमिकल केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में क्या हो रहा होगा कि एक बार तो हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू केमिकल रिएक्शन, ये प्रोसेस हम लोग कर रहे होंगे, दूसरी बार हम केमिकल रिएक्शन से जो हीट निकल रही है उसको इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे। मोटा मोटा ये दो चीज हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे। तो कैसे हम करेंगे ये आप देखते रहिएगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे लाइक सोडियम, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है बेसिकली, वो सब, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से बनती है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली है और लेस पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट हो सके, वो क्रिएट हो सके, और साथ ही साथ जो है सिस्टम को भी, बिल्कुल एनवायरमेंट भी जो है हमारा एकदम प्योर रहे। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। स्टूडेंट्स जो है IIT नीट इनमें जो क्वेश्चन आते हैं उसको अटेम्प्ट जल्दी से नहीं कर पाते, जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि उनको इससे लगता है डर, वो लोग कंसेप्ट को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो आपको कंसेप्ट को ढंग से पढ़ना है और फिर आपसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया है, बता चुकी हूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो केमिकल रिएक्शन और फिर केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट, इनके बीच ही जो है, इनके आर पार ही हमारी पूरी कहानी घूमेगी। क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? बेसिकली अगर मैं बात करूं इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, हमें इस लेक्चर में पढ़ना है इलेक्ट्रो केमिकल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेइक सेल। इनको तीन नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल दो, गैल्वेनिक सेल बोल दो, वोल्टेइक सेल बोल दो। बोर्ड में हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, न्यूमेरिकल हो, किसी भी नाम से आ सकता है। आपको तीनों नाम को ढंग से याद रखना है, समझना है तीनों नामों को। तो आज हम इनको करेंगे। अब सबसे पहले हम चलेंगे एक बेसिक चीज पे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल में हो क्या रहा है। जनरली इलेक्ट्रिक केमिकल सेल, या मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल में, एक प्रोसेस हो रहा होता है और वो प्रोसेस होता है कि केमिकल केमिकल रिएक्शन से जो हीट निकलती है हम उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट में। आई बात समझ में? केमिकल रिएक्शन से जो भी हीट निकलेगी उसे हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम करते हैं इन सेल्स में। तो पहले एक एक्सपेरिमेंट मैं उठाऊंगी, ठीक है, उससे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, हमें कैसे आइडिया कैसे आया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो देखिए, अब हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है? हमने लिया एक कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने डाला है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है,
और आपको पता है कॉपर सल्फेट जो होता है बेसिकली वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर, ये बात पता होनी चाहिए, कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है इसका सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने डिप कर दिया, हमने डिप किया जिंक का रोड, ये जिंक की रोड है, पता है ना इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, जिंक की हमने यहां पर रोड रख दी। थोड़ी देर बाद इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने ऑब्जर्व किया तो चार बातें जो है हमें समझ में आई, क्या क्या बातें थी। पहली बात, जब हम देखते हैं क्या होता है, जो जिंक के यहां पर जो जिंक बिल्कुल रोड है जिंक की, यहां से जो जिंक के पार्टिकल्स है वो टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं, वो टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। जिंक रोड रिड्यूस्ड इन वेट, मतलब कि जो जिंक की रोड है उसका वेट कम हो रहा है। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी थी कि जिंक जो रोड है उसकी जो वेट है वो रिड्यूस्ड हो रही है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी, जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, ठीक है, ब्लू कलर है जो सॉल्यूशन का वो खत्म होने लग गया, धीरे 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 फेड होने लग गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि सॉल्यूशन में नीचे की तरफ कुछ रेड कलर का पीपीटी बन रहा है, क्या बन रहा है समझिएगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि रेड कलर की पीपीटी जो है वो बन रही थी, रेड कलर की पीपीटी हमें दिखाई थी इन द लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर, जैसे कि यहां पर। फोर्थ क्या चीज दिखाई थी हमें कि अगर हमने जब यहां पर थर्मामीटर लगाया ना, हमने यहां पर जैसे थर्मामीटर लगाया तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो रहा था, राइज हो रहा था, टेम्परेचर राइज हो रहा था। हमने जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर थर्मामीटर लगा के चेक किया तो टेम्परेचर राइज हो रहा था इस पूरे कंटेनर के सॉल्यूशन का। तो ये चार मोटी मोटी ऑब्जर्वेशन थी हमारी, पहले जिंक रोड रिड्यूस हो रहा था वेट, मतलब जिंक की जो रोड है उसका वेट रिड्यूस हो रहा था, मतलब कि जो जिंक पार्टिकल्स थे वो टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे गायब हो रहा था, रेड पीपीटी बन रही थी नीचे, रेड पीपीटी बन रही थी, और टेम्परेचर राइज हो रहा था। जैसे ही हमने थर्मामीटर लगाकर चेक किया टेम्परेचर तो टेम्परेचर राइज हो रहा था। ये चारों बातें समझ में आई, देख लिया हमने इन चारों बातों को। अब हम ये देखेंगे कि ये चारों बातें हो कैसे रही हैं, हमने ऑब्जर्व तो कर ली बट इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आप देखिए, पहली चीज कि जिंक रोड जो है वो रिड्यूस हो रहा था वेट में, मतलब कि जिंक के टुकड़े नीचे गिर रहे थे और टूट रहे थे, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो जिंक है, जिंक टूट कर क्या बना रहा था, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था बेसिकली, और मतलब लॉस कर रहा था इलेक्ट्रॉन का, तो जिंक टू प्लस, दो इलेक्ट्रॉन जैसे उसने लॉस किए तो यहां पर क्या आ गया, टू प्लस आया, प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो ये मेथड क्या कहलाया, बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, किसका प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, पता है ना ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में बेसिकली अगर आप ऊपर देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो है और यहां पर है टू, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही जो है ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो गायब हो रहा था। तो देखिए आपको पता है यहां पर कॉपर सल्फेट जो है इसमें कॉपर सल्फेट के ऊपर टू प्लस ये है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर जो कॉपर है वो, जो ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक रोड से इलेक्ट्रॉन जो लूज किए, वो कॉपर जो है उस इलेक्ट्रॉन को क्रैप कर रहा था, ले रहा था, और क्या बना रहा था, कॉपर, क्या कर रहा था, कॉपर टू प्लस प्लस एब्जॉर्ब कर रहा था, ले रहा था, गेन कर रहा था
इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसने खुद ले लिए और क्या बना लिया, कॉपर। ठीक है, और ये जो कॉपर है वो रेड कलर का है, पता है ना, कॉपर जो सॉलिड होता है बेसिकली वो रेड कलर का होता है, तांबा घर में देखा है हमने। तो जो रेड पीपीटी है बेसिकली वो इसी चीज की बन रही थी। अब टेम्परेचर राइज हो रहा था, नॉर्मल सी बात है, हीट जो है निकल रही थी, और टेम्परेचर जैसे ही हमने लगाया इसके अंदर थर्मामीटर और टेम्परेचर हमें दिख गया कि राइज हो रहा है। अब जो ये प्रोसेस है, अब देखिए यहां पर जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और इधर है 0, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कम हो रहा है, मतलब कि यहां पर प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन का। एक कंटेनर में स्पॉन्टेनियसली इजीली बिना किसी जोर लगाए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। पहली बात तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो उसे हम बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे एक ही कंटेनर में हो रहा है और ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा हो रहा है बिना कोई जोर लगाए, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, झरने से पानी नीचे गिर रहा है, काम अपने आप ही हो रहा है। ये पेन, ये जो मैं मार्कर है, जैसे मैं हाथ से छोड़ूंगी ये नीचे की तरफ जाएगा, ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, जो कि अपने आप होता है, किसी की जोर लगाने से नहीं होता, अपने आप होता है। और अगर यही मैं झरने का पानी अगर ऊपर की तरफ किसी भी हेल्प, किसी भी मोटर की हेल्प से या कैसे भी मैं अगर झरने का पानी जो नीचे गिर रहा है उसे मैं ऊपर की तरफ फ्लो करवाना चाहूं, तो वो प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें जिसे करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा। अब देखिए जो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसमें जो डेल्टा जी है, ऑब्वियसली बात है वो लेस देन जीरो होगा, पढ़ चुके हो आप 11th में, ठीक है, डेल्टा जी होगा, लेस देन जीरो होगा। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो हीट है, बेसिकली जो एनर्जी है, वो सिस्टम क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रिलीज, बेसिकली। और किस फॉर्म में रिलीज कर रहा होगा, हीट की फॉर्म में, एनर्जी रिलीज हो रही है हीट की फॉर्म में। देखा ना आपने टेम्परेचर राइज हो रहा था, तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये दिमाग लगाया गया कि भाई हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे हीट निकल रही है, ये हीट हम क्यों वेस्ट करें, क्यों ना इस हीट का हमें यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए इस हीट का। तो उस थॉट को ध्यान में रखते हुए जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसे हम गैलोनिक सेल बोलते हैं, वोल्टेक सेल जिसे हम बोलते हैं, उसका थॉट दिमाग में आया और तब उन सेल को जो है बनाया गया इसी प्रोसेस के थ्रू, ताकि हम इस हीट को जो है यूटिलाइज कर सके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो बेसिकली उसके अंदर हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। क्या पढ़ेंगे, डेनियल सेल। जो डेनियल सेल होता है बेसिकली ये कोई अलग से कोई सेल नहीं है, ये अंडर आता है किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही, उसका ही एक टाइप है, उसी के एग्जाम्पल है डेनियल सेल। तो देखिये जो डेनियल सेल है बेसिकली वो होता है जिंक और कॉपर का सेल, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा होता है कि केमिकल बेसिकली जो प्रोसेस हो रहा होगा वो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा प्रोसेस हो रहा होगा डेनियल सेल में। और डेनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, कोई भी हम कह सकते हैं इसके लिए। तो चलिए देखिए इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। यहां हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने डाला जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने इसमें डाला और इसके अंदर हमने डाल दी है जिंक की रोड। क्या है ये, जिंक की रोड डाल दी है, ठीक है। हमने एक और कंटेनर लिया
जिसमें हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, रोड डाली है, किसकी, कॉपर की रोड डाल दी हमने, ठीक है। और हमने इसके बाद इनको जोड़ दिया किसी भी इलेक्ट्रिक मेन से। यहां पर मैंने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया है, ताकि हम करंट की डायरेक्शन देख सके, करंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, करंट जो है पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमने सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए यहां पर मैंने इनके बीच में एमिटर लगा दिया है। तो देखिए ये चीज हो रही है, हम क्या देखते हैं कि जैसे ही इस कंटेनर में मैं अगर देखूं तो जिंक की रोड मैंने इसके अंदर डाली है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो अपने आप ही इसके अंदर रिएक्शन हो रही है, अपने आप ही नेचुरल रिएक्शन हो रही है। तो वो नेचुरल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो इस जिंक रोड से जो जिंक के आयंस हैं वो टूट टूट कर सॉल्यूशन में गिर रहे हैं, वो टूट के सॉल्यूशन में गिर रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, जिंक 2+। बेसिकली इसमें क्या रिएक्शन हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा मिटाती हूं, क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक टूट कर जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, ठीक है। जिंक टूट रहा है, जिंक के आयंस सॉल्यूशन में गिर रहे हैं, जिंक 2+ बना रहा है और साथ में क्या छोड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चिपक जाएंगे इनटू द रोड, रोड पे चिपक जाएंगे, इस रोड पे इलेक्ट्रॉन्स जो है चिपक जाएंगे, ठीक है। और इतने ज्यादा ये चिपक जाएंगे कि धीरे 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 इतने ज्यादा जिंक के जो मतलब जो जिंक लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, वो इतने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन जो रोड पे चिपक जाएंगे कि धीरे 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 ये फ्लो करने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया लेफ्ट साइड, क्या हो गया, लेफ्ट साइड। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। क्योंकि ये पूरी रिएक्शन लेफ्ट साइड में हो रही है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हाफ सेल। अब जो भी मैं इसके नाम बताऊंगी आपको याद रखना है, लेफ्ट हाफ सेल, या मैं बोल सकती हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या मैं बोल सकती हूं ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो यानी ये नेगेटिव साइड है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है पूरा, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस रोड में, और इस साइड में नेगेटिव चार्ज है तो मैं इस साइड को बोल दूंगी एनोड, कि यहां पर एनोड वाली साइड है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हैं, या फिर एनोड लिखा है ना मैंने, तो एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं। इन चारों नामों में से किसी भी नाम से उठकर न्यूमेरिकल आ सकता है, आपसे ये भी बोल सकता है कि लेफ्ट हाफ सेल को मतलब कुछ भी कोई न्यूमेरिकल इस नेम से आ सकता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल और एनोड हाफ सेल, इस जो लेफ्ट साइड में जितनी भी जो भी ये रिएक्शन हो रही थी इन सबको हम इस नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, इसके लिए एक ट्रिक है L O A N, लॉन, लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल और नेगेटिव हाफ सेल, तो इससे आप लर्न कर सकते हो और आपको याद भी करना है, ये अपना शॉर्ट ट्रिक है इसका। अब हमने लेफ्ट साइड की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं राइट साइड की, राइट साइड में क्या हो रहा है। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, जैसे नेचुरली यहां पर कुछ रिएक्शन हो रही थी वैसे ही नेचुरली यहां पर भी कुछ रिएक्शन हो रही थी। आपको पता है कॉपर सल्फेट में जो आयन्स होंगे वो कौन से होते हैं, Cu2+, Cu2+। तो जब कॉपर ये देखेगा ना कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस रोड पे इधर से फ्लो करके, तो ये क्या करेगा, फटाफट इस इलेक्ट्रॉन को गैप करके क्रैप करके चिपक जाएगा इस रोड पे, ठीक है। ये कॉपर क्या करेगा, इस साइड में चिपक जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर,
और क्या बना लेगा? कॉपर। क्या बना लेगा? कॉपर। क्या रिएक्शन होगी यहां पर? मैं इस रिएक्शन को यहां पर लिखती हूं, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रैब कर लिया और क्या बना लिया? कॉपर, ये सॉलिड। ये प्रोसेस पूरा हो रहा होगा। अब ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, बात आई समझ में? और ऑब्वियसली बात है, ये राइट साइड में हो रहा है सारा प्रोसेस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राइट हाफ सेल। उसके बाद हम बात करें, ऑब्वियसली बात है, जब कॉपर जो है बेसिकली ये सॉल्यूशन तो न्यूट्रल है, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो बेसिकली इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव जो है, बेसिकली यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर जो है इसके मुकाबले में ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव सेक्शन हो जाएगा ये, और इसे हम क्या बोल देंगे? कैथोड। कौन सी साइड बोलेंगे? कैथोड की साइड। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? कैथोड हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल। आपको अगर आपको ये चीज, ये नेम याद होगा ना, तो जस्ट लेफ्ट का आपको राइट करना है और जस्ट इसके अपोजिट ये लिखना है, तो याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप देखो कि बेसिकली क्या हो रहा है इस पूरे सर्किट में, जाने अनजाने इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग गया, और आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? ये डायरेक्शन होगा। किसका? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का डायरेक्शन। बात आई समझ? ये सिस्टम हमारा चल रहा था, कोई कमी नहीं थी हमारे इस सिस्टम में, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर थोड़ी देर बाद इसमें दो इशू आने लग गए। दो भी नहीं, वो इशू एक ही है। क्या इशू आने लग गया, मैं आपको यही समझाती हूँ। मैं इसको रब करती हूँ ताकि आपको थोड़ा मैं समझा पाऊं। इसको मैं रब कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। क्या इशू आने लग गया थोड़ी देर बाद कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो? कि आपको पता है ये सॉल्यूशन तो जो था बेसिकली ये न्यूट्रल था। जिंक के टुकड़े यहां पर गिर रहे थे, जिंक के टुकड़े गिर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा था वो रोड पे चिपक रहा था, और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो ये जिंक के टुकड़े हैं ये तो गिरते रहे, ये गिरते रहे, और यहां पर इस पूरे सॉल्यूशन में बेसिकली जिंक 2+ का चार्ज बढ़ गया। यहां पर जिंक 2+ का चार्ज बढ़ गया, और जिंक 2+ इतना ज्यादा इस सॉल्यूशन में बढ़ गया कि इसने जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना उसको रोक लिया। ऑब्वियसली बात है, जब सॉल्यूशन में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्यों जाने देगा भाई? नेगेटिव तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, और जब इस एक जगह पर इतने सारे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, ये कहेगा भाई तू इधर ही रुक। तो ऐसे करके जो है इस साइड में, लेफ्ट साइड में ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो जिंक है बेसिकली, जो लेफ्ट, मैं बेसिकली ये बोल देती हूं कि जो इशू आया है वो ये आया है कि लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया है, स्टॉप हो गया है। ठीक है, क्यों हो गया? मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या हो गया? पहले सॉल्यूशन न्यूट्रल था, बाद में सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। बात आई समझ में? या आप इसको ये भी कह सकते हो कि भाई जो जिंक है वो पार्टिकल, ऑब्वियसली जब सॉल्यूशन में जिंक बहुत सारा है, ऑब्वियसली बात है, तो जिंक जो है रोड से टूटना भी क्यों जाएगा थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा कि जिंक टूटना भी नहीं चाहेगा, और अगर टूट भी जाता है ना जिंक, तो भी वो अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में सॉल्यूशन में जिंक प्रेजेंट। सेम यहां पर क्या होगा,
कॉपर जब बार 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 रोड पे जा रहा होगा ना, रोड पे चिपक रहा होगा इलेक्ट्रॉन से, तो सॉल्यूशन में सल्फेट जो आयन है, सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है बेसिकली, सॉल्यूशन में जो सल्फेट आयन है यानी नेगेटिव आयन, वो बढ़ने लगेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, क्योंकि कॉपर तो जा ही रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कॉपर जो चिपक रहा था ना रोड पे उसको जाने ही नहीं देगा। ऑब्वियसली बात है, कॉपर पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव इतना ज्यादा हो जाएगा कि कॉपर को कहेगा भाई तू इधर ही रुक, रोड पे क्यों जा रहा है, जब भाई हम नेगेटिव इतने सारे बैठे हैं तो क्यों भाई ऊपर जाने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने की जरूरत क्यों है, नीचे ही रहे। तो ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन से जो है अटैच होने ही नहीं देगा, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी होने लग जाएगी। बेसिकली जो है क्या होगा कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाएगा। तो हमने इसके सॉल्यूशन के लिए क्या लेके आए, सॉल्ट ब्रिज, क्या लेके आए, सॉल्ट ब्रिज। क्या है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यूट्यूब ग्लास है, इन्वर्टेड यूट्यूब ग्लास। क्या होगा इसको डालने से, समस्या क्या थी हमारी कि सॉल्यूशन में चार्ज पैदा हो गया था, यहां पर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा था, साथ ही साथ पॉजिटिव को भी जो है इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होने ही नहीं दे रहा था कॉपर को, तो ऐसे करके हमारा फ्लो ही नहीं हो रहा था। तो इन्वर्टेड यूट्यूब जो होगा सॉल्ट ब्रिज, इसमें हम क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इनर्ट, जो कि सॉल्यूशन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ ना करे। हम यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो यूज करेंगे केसीएल, और भी बहुत इलेक्ट्रोलाइट होंगे, लेकिन इस सुटेबिलिटी के लिए, इस पर्टिकुलर डेनियल सेल के लिए हम यूज करेंगे केसीएल, इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैसीएल हम यूज करेंगे जो कि इनर्ट होना चाहिए। अब किसकी प्रेजेंस में हम करेंगे, मैं यहां पर लिख रही हूं इन अगर 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 पाउडर होना चाहिए, या तो या फिर जिलेटिन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अगर पाउडर करेगा क्या, ये जनरली क्या है, लिक्विड, मतलब थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म बना देता है, और लिक्विडी फॉर्म जब ये बनाता है, कोई भी लिक्विड फॉर्म अगर ये जब बना देता है पाउडर, तो क्या होता है, कोई गाढ़ा सा हो जाता है, लिक्विड जैसा हो जाता है, और इससे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसमें आराम से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आयन्स आराम से फ्लो हो जाते हैं बेसिकली, इसलिए हम इस पाउडर को डालते हैं या टिन का यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको डाला यहां पर, ब्रिज को हमने यहां डाला, ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अगर अगर पाउडर में, अगर अगर पाउडर भी इसके अंदर हमने डाला है, इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया है, क्या डाला है, केसीएल। क्या होगा, आराम से के प्लस अलग से टूट जाएगा और सीएल माइनस अलग से टूट जाएगा। होगा क्या इधर, कि जो सीएल माइनस है वो तो जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, और K पॉजिटिव जो है वो जाएगा राइट साइड में। Cl माइनस क्या करेगा, इधर आ जाकर जहां जितना भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज था ना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और K प्लस क्या करेगा, जितना भी यहां पर नेगेटिव चार्ज था ना सल्फेट के कारण उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बात आई समझ में, यहां पर ये बना लेगा जिंक क्लोराइड, और आपको पता है जिंक क्लोराइड इतना ज्यादा सॉल्यूबल होता है कि बन भी जाएगा ना तो दोबारा सॉल्यूशन में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा, कहने का मतलब है। जैसे ही क्लोरीन इधर जाएगा, क्लोरीन का फ्लो इस वाले लेफ्ट साइड में होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा ये पूरा सिस्टम, ये वाला सॉल्यूशन दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा और हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आराम से हो जाएगा। और ऐसे जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा बेसिकली, और सॉल्यूशन कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। तो आई बात कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में मदद करता है। द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कोई चार्ज ना रहे, क्योंकि चार्ज हो गया था तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोक दिया था। दूसरा ये क्या करता है,
ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो काम जो है ये करता है सॉल्ट ब्रिज। ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रलिटी वही रहेगी ना सॉल्यूशन की, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आराम से हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा पूरा था डैनियल सेल, ठीक है, ये था डैनियल सेल। क्या बताया मैंने आपको, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो इनर्ट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, है ना। तो ये सारा हमारा डैनियल सेल था, आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। थैंक यू सो मच।